तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिएगा कि वो महबूबा मोहिब के दर मैं गुफ्ता रे महबूबी। गुफ्तार समझे बोर्तालाब शिष्टाचार में जो कन्वर्सेशन, तवज्जो चाहूंगा। वो महबूबा मोहिब के दर में आगुफ तारे महबूबी, वो महबूबा मोहिब के दर में आगुफ तारे महबूबी, वो इकरार मोहब्बत है, वो इकरार मोहब्बत है, वही है लौहे कुरानी। चला हूँ जानी बेतैबा सफर है कितना रूहा। कोई नहीं चाहता कि उसे भरी जवानी में मौत मिल जाए और मदफन में चला जाए कब्र में, लेकिन सुन्नी मचलता है जाने के लिए। क्यों तवज्जो चाहूंगा, देखिए कि ये शौके दीद कहते हैं दर्शन को, किसे दर्शन दीदार। ये शौके दीद है आका के मैं मदफन में कब जाऊं। ट्राई कीजिएगा समझने की जिंदगी के साथ, और मैंने अपने नाम से भी फायदा उठाया है। ये शौके दीद है आका के मैं मदफन में कब जाऊं, ये शौके दीद है आका के मैं मदफन में कब जाऊं, अरे जो देखूं मैं रुखे अनवर, जो देखूं मैं रुखे अनवर तो बन जाऊं मैं नूरानी। और ये शेर मैं उलमाए किराम को नजर कर रहा हूँ, देखिएगा। उर्दू का ज़ौक जो लोग रखते हैं, मेरे दादा यानी मेरे अब्बा के अब्बा, मेरे वालिद हुजूर गाजी मिल्लत, उनके वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद की छोछली, और मुहद्दिस आज़म हिंद और सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों रिश्ते में साले बहन हुई, यानी मेरी दादी हुजूर मखदूमे खानवादे अशरफिया सरकारे कला की हमशीरा उनकी बहन। तो इस निस्बत को भी देखें, मुहद्दिस आज़म ने एक तमन्ना की थी, एक इच्छा की थी। हर आदमी ये इच्छा करता है कि मौत मदीने में आए, मगर दादा मियाँ की इच्छा सुनी। हजरत मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, सैयद आपका तखल्लुस है। मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, वरना थोड़ी सी जमी हो शह सिमना के करीब, अगर वहां ना आए तो फिर किछोछे में आए। तवज्जो, बस इसी तमन्ना को मैंने भी अपनी तमन्ना बनाया है, और किस अंदाज से देखिएगा, तैयार है ना, ये लगा के कह दो सुभान अल्लाह। फकत इतनी तमन्ना है, कजा आए तो यूं आए, कजा यानी अल्लाह का हुक्म मौत। फकत इतनी तमन्ना है, कजा आए तो यूं आए, फकत इतनी तमन्ना है, कजा है तो यूं आए, मदीने में मरूं या हो मदीने में मरूं।
مرو یا هو در مخ دو مسمنا सफर है कितना रूहानी। When I was writing this particular naat, जब मैं यहां तक पहुंचा, when I reached to this place, तो उस वक्त मेरे जो मुदीर थे टूर के, उन्होंने कहा हजरत जरा गर्दन उठाइए और देखिए हुजूर की मस्जिद मस्जिद नबवी के मीनार नजर आ रहा है। तो वो जो कैफियत थी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस में जितने लोग बैठे थे सब झूम झूम के दुरूद पढ़ने लगे। जितने लोग बैठे थे सब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सब पढ़ने लगे। तो बस इसी ख्याल को मैंने मख्ते में उतारा। तखल्लुस नूर है, तवज्जो चाहूंगा देखिएगा, तैयार है ना? बिल्कुल मख्ता है कि भला चाहो तो यूं पढ़ते रहो सल्ले अला हरदम। भला चाहो तो बस पढ़ते रहो सर ले आला हरदम। सरे मखे शर रखेगी जा, सरे मखे शर रखेगी जा, बजाए नूर आसानी सफर है कितना रूह।